हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। टाइम हो गया तकरीबन 12, अभी उठे हैं, चल के नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं कि ज़िंदगी में क्या है करने के लिए। हाँ जी, तो उठ के नाश्ता वगैरह करके आगे से नीचे आते, सबसे पहला काम जो नज़र आया वो है बाइक का टायर हो गया पंचर। सबसे पहले जाके कराते हैं इसको ठीक, फिर आगे बाकी देखते हैं क्या क्या काम करने वाले हैं। A few moments later. हाँ जी, पंचर वगैरह लगवा के आगे थे घर। अब अपनी ये बसंती गंदी इसको धुलवाने चलते हैं। तो गाड़ी में बैठ गए हैं, तो अब जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो आम मैनुअल सर्विस स्टेशन है वहाँ से तो मैंने काफ़ी दफ़ा गाड़ी धुलवाई, क्यों ना आज एक ऑटोमेटिक कार वॉश को टेस्ट किया जाए कि वहाँ पे गाड़ी कैसे धुलती। मेरा भी एक्सपीरियंस पहला होगा, तो आए जी पहला एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करते हैं। तो बगैर टाइम जाए के चलते हैं, रास्ते में से एक दोस्त को लेना, फिर देखते हैं। अभी मजा आएगा ना। Hour later. हाँ जी, घंटा आधा घंटा खजल होने के बाद पूरे लौट के ऑटोमेटिक सर्विस स्टेशन फिरने के बाद अब हमें ये मिला है सर्विस स्टेशन। हर जगह सर्विस स्टेशन ऑटो कार वॉश पे जाएं तो ये भाई को चाहिए था वाइट ब्रश, और वाइट ब्रश हमें मिले ना तो बड़ी मुश्किल से एक ढूंढा। अब ये है, ये है। कार सर्व के नाम से है। अब यहाँ जा रहे हैं तो देखो पहला एक्सपीरियंस कैसे होता। येलो ब्रश सर्विस से इन्होंने मांगा 500। अब देखो आगे क्या सिस्टम है। अब गाड़ी करने लगे अंदर तो देखते हैं क्या सिस्टम है, सारा सीन क्या है इनका, फिर आपको भी बता दें। पहले एक्सपीरियंस अपना, इतनी गाड़ी चली होते था दे तो पानी मारना शुरू कर दिया था। पानी मैनुअल मार रहा है, दिलवाने ऑटो आए तुम्हारा क्या कहना भाई? देखिए अब आगे देखते हैं होता है क्या, तो ये तो मैनुअल ही है हमारी गाड़ी में, पानी मारने वाला सामने खड़ा है, मतलब लगा हुआ मैनुअल पानी मार रहा। मेरे को कहा तो है कि ऑटो धुलवानी भाई हमने। हाँ जी, गाड़ी धुलवाने आए हैं, उससे पहले इन्होंने हदायत लिखी है भाई जान, हदायत पढ़ लेते हैं। गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी, गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, हैंड ब्रेक का लेवर नीचे कर लें। मैं तो बाइट से बनाऊंगा, ये भाई जान लेके जाएंगे अंदर, देखते हैं अंदर जाके होता है क्या हमारे साथ। पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अब ये वैक्यूम हो रही है, धुल के तो निकले गाड़ी बार, यहाँ पर सुपीरियर वैक्यूम है। उसके बाद आपको बताते हैं, मैं तो अंदर बैठा नहीं, दोस्त था तो उसका एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। अभी वैक्यूम हो रहे हैं। हाँ जी, गाड़ी धुलवा के निकले हैं बाहर, इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा था पहला। हाँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया हमें। मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार मैंने देखी ऑटोमेटिक कार वॉश में। मैं तो अंदर था नहीं, इसको मैंने बिठा दिया, मैंने कहा चलो तुम अंदर से बना लेना, मैं बाहर से बना लूँगा। तो लेकिन अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब जा रहे हैं घर की तरफ, खाना वगैरह खाते हैं, बाद में देखते हैं क्या क्या है करने को आगे ज़िंदगी में, फिर देखते हैं क्या करना आगे जाके। आपसे मुलाकात होती घर पहुँच गए। ओके जी। आगे थे घर, तो उसके बाद घर आके एक दो काम थे करने वाले, मेरे ख्याल है वही किए हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम किया, टीवी वगैरह देख लिया। तो अब हो गए हैं फारिग, तो टाइम हो रहा है तकरीबन 9:50। तो आए जी के बाहर चलते हैं, शुगर मेला लगाते हैं, कहीं से जाके चाय वगैरह पीते हैं। आज ही घर से निकल के आगे थे बाहर, अब चाय वगैरह पीने आए हैं। तो ये एक भाई रहे,
एक ये बरे भाई, एक ये मानी भाई, लाहौर दा पावा मानी पावा। तो अब चाय वगैरह मंगाते हैं, तो उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर चलते हैं घर। अभी ज़रा इधर बैठे हैं, चाय वगैरह आ गई, अब पीने लगे हैं। इनके भी सुन ले, लाहौर दा पावा शेख पावा। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है।